हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बिल्ड मोड में आखिरी बचे लाइब्रेरी की बात करेंगे, लाइट एंड यूटिलिटीज़ के बारे में। तो लाइट के बारे में हम आपको शो करने से पहले अपने वेदर में जाके रात कर लेते हैं, तभी लाइट समझ में आएंगी। ये देखिए रात की कंडीशन हो गई। जैसे ही रात हुई, आप देख रहे होंगे कि पूरी सीन में अंधेरा छा गया है, ठीक है। लेकिन एक यहाँ पे देखिए, एक छोटा सा लाइट आ रहा है, यहाँ से थोड़ा सा लाइट पास हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोई लाइट लगी हुई है, ठीक है। तो फिर से ऑब्जेक्ट में आते हैं, इस लाइट एंड में डबल क्लिक करते हैं तो आप पाएंगे यहाँ पे सबसे पहले स्पॉटलाइट, ओमनी लाइट, एरिया लाइट और कुछ यूटिलिटीज़ हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्पॉटलाइट की। स्पॉट लाइट में देखिए डिफरेंट टाइप की आपको लाइट दी गई है। तो जो हमने ये वाली लाइट लगाई, हम सबसे पहले इसको डिलीट कर देते हैं ताकि एकदम अच्छे से आपको हर एक बात समझ में आए। इसमें डबल क्लिक करते हैं, लाइट में चूज करते हैं लैम्प। सपोज दैट जैसे आपका कोई लैम्प ऊपर है और उसका नीचे रिफ्लेक्शन जा रहा है तो कैसा दिखेगा, ठीक है। ये देखिए, अगर यहाँ पे लाइट लगी है तो ये कुछ ऐसा ज़मीन में कुछ इस टाइप का नीचे डालेगा इफेक्ट। इसकी लाइटिंग कुछ ऐसी रहेगी। अगर ऊपर यहाँ पे अगर कोई लाइट का पोल लगा होता, जैसे आउटडोर में जाके हम यहाँ से एक लाइटिंग पोल ले लेते हैं लाइट का, ये यहाँ पे इसको इस जगह लगाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं अपने लाइट में। लाइट में आने के बाद इस लैंप की लाइट को इसमें सेट करते हैं। ये देखिए, तो जैसे ही रात होगी और फिर सेलेक्ट करते हैं तो आप देखिए इसके नीचे आप देखेंगे कि लाइट आ गई है, इसके नीचे लाइटिंग दिख रही है हमारी। अब यहाँ से हम इसकी ब्राइटनेस और बढ़ा सकते हैं, ब्राइटनेस कम कर सकते हैं, कोन एरिया, इसका जो कोन बना है ना उसके एरिया को कम ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए कोन एरिया कम ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। और फिर ये है सो लाइट सोर्स, लाइट सोर्स ऑन ऑफ, यानी यहाँ पे जो लाइट का छोटा सा पॉइंट है वो सोर्स ऑन होगा ऑफ होगा उसको रखने के लिए। नाइट एक्टिवेशन का मतलब जैसे ही रात होगी ये नाइट ऑटोमेटिक लाइट जल जाएगी। तो अभी ये ऑफ है, इसको हम ऑन कर देते हैं, देखिए क्या इफेक्ट आता है। अभी ये रात है तो ऑन है, जैसे ही अगर आप दिन कर देंगे ना तो देखिए लाइट ऑफ हो गई। और जैसे ही रात करेंगे, देखिए अभी शाम हुई है हल्की सी, ये देखिए लाइट ऑटोमेटिक ऑन हो गई। तो ये नाइट एक्टिवेशन है कि जैसे ही अगर आप यहाँ पे रात वाली कंडीशन लाएंगे तो जितनी भी लाइट लगाई है अगर उनमें ये वाला ऑप्शन ऑन है तो रात में ऑटोमेटिक ऑन हो जाएंगी। अब शेडो क्वालिटी क्या है, मीडियम, हाई या फिर डायनेमिक, ठीक है। तो आप यहाँ पे डायनेमिक का मतलब बहुत अच्छा, जैसे कोई डायनेमिक शॉट्स है तो उसकी भी एकदम परछाई अच्छे से बनती हुई नज़र आएगी, ठीक है। तो अभी हम मीडियम ही रखते हैं ताकि सिस्टम में ज़्यादा इफेक्ट ना है। तो ये बात रही सबसे पहले हमारे लैंप लाइट की। अब यहाँ पे और डिफरेंट टाइप की लाइट्स हैं, इनको चेंज करके हम देख सकते हैं। इस लाइट को जैसे हम डिलीट करते हैं थोड़ा सा, फिर से नेक्स्ट है ये हमारे पास, जैसे लैंप 18, ये डिफरेंट टाइप के प्रीसेट दिए गए हैं कि इसमें इस टाइप की लाइट आएगी, इसमें इस टाइप की लाइट आएगी। तो यहाँ पे ये इन सारी लाइट को आप लगा लगा के यूज करके देखिए और समझिए कि वो किस प्रकार से लाइट इमिट कर रहे हैं। जैसी सीन की ज़रूरत आप वैसे लाइट को वहाँ पे लगा सकते हैं। ये देखिए एकदम सॉलिड लाइट आ रही है ना इसमें, ये देखिए। तो इस टाइप की कुछ लाइट होती है जो हमारे लाइट पोल होते हैं ना उनमें। अब देखिए एक्चुअली ये वाली लाइट इस पे लगी हुई है, इस पोल पे, ये सही है। तो हमें सब कुछ स्ट्रीट वगैरह साफ नज़र आती हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट ओमनी लाइट की। ओमनी लाइट छोटी लाइट होती है, ठीक है, और 360 डिग्री ये लाइट रिफ्लेक्ट करती है, यानी चारों डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करती है। जैसे आपने एक बल्ब लगा दिया, बल्ब लाइट कैसी होती है, पूरा चारों तरफ 360 डिग्री में वो लाइट को इमिट करता है ना। तो बल्ब की लाइट लगाने के लिए हम ओमनी लाइट का यूज करेंगे। जैसे हमने एक बल्ब लगाना है, अब देखिए इस वाले एरिया पे कोई लाइट नहीं हो रही ना तो वहाँ पे हमें बल्ब लगाना पड़ेगा। ये देखिए दरवाजे के ऊपर एक बल्ब लगाते हैं, जैसे बल्ब लगाएंगे देखिए यहाँ पे लाइट आ जाएगा। चाहें तो आप रेड लाइट लगा देंगे तो उसका रेड होगी वो लाइट। जैसे इस वाली लाइट को हम पहले डिलीट करते हैं,
तो इसका इफेक्ट नज़र आएगा आपको। ओमनी रेड, ये देखिए यहाँ पे रेड टाइप की लाइट नज़र आ रही है आपको, देख रहे हैं इसका इफेक्ट रेड है। ब्लू टाइप की है, ब्लू लाइट, ग्रीन, तो जहाँ पे जैसी ज़रूरत है। ये देखिए ये ग्रीन भी नज़र आ रहा है यहाँ पे, तो जैसी हमें सीन में ज़रूरत है उस टाइप की लाइट को हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा एरिया लाइट। एरिया लाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वहाँ पे लगाते हैं जैसे कि आप आजकल नए टाइप के जो बल्ब देख रहे होंगे जो स्क्वायर शेप में होते हैं, या रॉड देख रहे होंगे, तो इस टाइप के ऑब्जेक्ट को लगाने के लिए हम एरिया लाइट का यूज करते हैं। जो यहाँ पे जो लाइट लगा है इनको पहले डिलीट कर देते हैं। फिर से आते हैं लाइट में, एरिया लाइट। अब देखिए हम जैसे ये वाली एरिया लाइट लेते हैं और इसको छत में प्लेस करते हैं इसको, तो ये ऊपर से पूरा एरिया कवर करते हुए नीचे को लाइट देता है। अब नेक्स्ट ये है जैसे कि लाइन लाइट। हमने जैसे यहाँ पे सपोज दैट यहाँ पे कोई रॉड लगा हुआ है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक लाइट लगानी है। हमने इसको ऐसे लगा दिया, अब देखेंगे कि उससे लाइट इमिट हो रहा है, या फिर यहाँ पे ऐसे लगा दिया इसको भी। अब देख रहे होंगे कि इनमें इसका जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट डायरेक्ट मतलब इस तरफ को है, तो हम चाहते हैं सबसे पहले इनका जो रोटेशन है वो कंट्रोल हो, तो रोटेट में आते हैं और इसके रोटेशन को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, इसके रोटेशन को सही करते हैं क्योंकि ये गलत डायरेक्शन में रोटेट हो रही है। ये केवल देखिए इस पे इस पार्ट पे ऐसे नहीं लग रही कि ये नीचे को लाइट फेंके, इस पे लग रही है और सामने को इसकी लाइट जा रही है। तो जैसे एक और लाइट लगाते हैं यहाँ पे, और इसको रोटेट करते हैं। पहले बाकी बची हुई लाइटों को डिलीट करते ताकि इसका इफेक्ट ज़्यादा अच्छे से समझ में आए इनको। ये देखिए यहाँ से ये लाइट थ्रो कर रहा है और इस पूरे एरिया में पड़ रही है, तो इसकी लाइट इस सामने पड़ रही है, तो हमें यहाँ पे लाइट लगाने के लिए एक सामने लगाना पड़ेगा ताकि वो लाइट इस वाले एरिया को कवर करे। तो ये हो गई ये लाइट कैसे लगी है। ठीक है, अब इस लाइट की लेंथ और विड्थ एडिट करने के लिए आप यहाँ से इसकी लेंथ को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए और यहाँ पे विड्थ है। ठीक है, इसकी विड्थ को हटा बढ़ा सकते हैं और लेंथ को चेंज कर सकते हैं। तो ये रही हमारी लाइट। फिर चलते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा यूटिलिटी का। यूटिलिटी में हमारे पास मिलता है क्लिप प्लेन, ग्रिड, मेजरमेंट, रिफ्लेक्शन एंड टेक्स्ट। तो आपने जैसे देख रहे होंगे कि हमने एक यहाँ पे एक टेक्स्ट लगाया है ना, जैसे इसके पास आप जाएंगे आपको पता चलेगा कि ये होटल लिखा हुआ है, हमने इस होटल टैग लगा दिया, तो ये भी, और दूर जाएंगे तो ये देखिए फेड हो जाएगा, दिखेगा नहीं, जब पास आएंगे तभी वो नज़र आएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे टेक्स्ट से लगाया है, तो जैसे ही आप टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और फिर उस टेक्स्ट को हमें किसी जगह प्लेस करना होगा, प्लेस करने के बाद हम सेलेक्ट में आएंगे तो हम इसको एडिट कर पाएंगे। यहाँ पे आप लिख दीजिए कि लाइट, ये देखिए लाइट लिख दिया। यहाँ पे टेक्स्ट को चेंज करने के लिए इस छोटे से आइकन में क्लिक करिए। ठीक है, जैसे इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर डिफरेंट टाइप के टेक्स्ट मिल जाएंगे आपको, तो जैसा टेक्स्ट यूज करना है
गोल्ड, ओके कर दीजिए इसको, तो वही वाला टेक्स्ट आएगा, ठीक है। और बाकी चीज़ें हैं इसके, जो बॉक्स की स्टाइल है वो राउंड है या फिर रेक्टेंगुलर रहेगी। देखिए इसके कॉर्नर मुड़े हुए हैं, ये देखिए कुछ, इसको अगर स्क्रॉल करेंगे ना तो कुछ डिफरेंट टाइप के आपको प्रीसेट मिलेंगे यहाँ पे, कैसे कैसे लाइट दिखनी है, ठीक है। हाइट और ऊपर तक ले जाना है, ठीक है, इसके पास ही रखना है। ये सब करने के बाद फिर से सेलेक्ट में क्लिक करिए और डे सेलेक्ट कर दीजिए इसको। जैसे ही दूर जाएंगे, ये देखिए और दूर जाएंगे तो ये हाई ऑफ हो जाएगी, पास में आएंगे तो फिर से विजिबल हो जाएगी। यानी इसको सेलेक्ट करते हैं तो इसकी फेड रेंज है, फेड रेंज घटा देंगे बढ़ा देंगे तो मतलब ये देखिए एक सर्कल बन रहा है ना, इससे दूर जाएंगे तो ये नहीं दिखेगी, इसका मतलब ये है विजिबिलिटी एरिया, ठीक है। इसमें एक विजिबिलिटी एरिया भी है, ये वाला विजिबिलिटी एरिया है और ये फेड रेंज, यानी इसके बाहर जाएंगे तो नहीं दिखेगी। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट आता है, रिफ्लेक्शन के बारे में बाद में बात करते हैं। नेक्स्ट आता है मेज़रमेंट, यानी किसी भी दो पॉइंट के बीच का आपको डायरेक्शन, डिस्टेंस या फिर उनका एंगल मेज़रमेंट करना है तो इसका यूज कर सकते हैं। जैसे इस पॉइंट से हमें मेज़र करना है इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, देखिए गलत मेज़र हो गया, तो इसको आप इसको पकड़ के सही जगह ले जाइए। आपको बताएगा इनके बीच की डिस्टेंस है 1.58 मीटर्स। ऐसे ही अगर एंगल मेज़रमेंट करना है तो फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड इसके बाद जैसे ही थर्ड पॉइंट पे क्लिक करेंगे ना, आपको ये एंगल बताएगा कि कितना एंगल है। देखिए 90 डिग्री का एंगल, 89 90 है ऑलमोस्ट, वो एंगल दिखाएगा आपको। नेक्स्ट ऑप्शन आता है ग्रिड का, अगर आप अपने सीन में ग्रिड प्लेस करना चाहते हैं ना तो एक ये ग्रिड प्लेस कर सकते हैं। ये केवल आपके रेफरेंस के लिए है कि यहाँ पे ग्रिड लगाना, तो अभी हम ग्रिड को डिलीट कर दे रहे हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा क्लिप प्लेन, ये देखिए बहुत ही अच्छा फीचर है। जैसे आपकी बिल्डिंग बहुत बड़ी है और उसे क्लिप करके, उसे कट करके आप उसके अंदर दिखाना चाहते हैं कि उसके अंदर कैसा दिखता है, तो जिस जगह पे इस क्लिप प्लेन को प्लेस कर देंगे उसके नीचे कटा हुआ नज़र आएगा। अभी देखिए ये हम यहाँ पे डिम करते हैं चल के, तो इसका समझ में आएगा कि क्लिप होने के बाद क्या दिख रहा है यहाँ पे। तो क्लिप होने के बाद ये घर के अंदर का लोकेशन है, देखिए ऐसे दिख रहा है कि यानी घर के अंदर ये चीज़ें लगी हैं, तो क्लिप करके हम देख सकते हैं कि उसके अंदर क्या है। और इस क्लिप प्लेन को चाहे तो हम रोटेट भी करके देख सकते हैं, नो ये रोटेट नहीं हो रहा, तो ये हॉरिजेंटली ही क्लिप करेगा अपने ऑब्जेक्ट को। तो जब क्लिप करने की ज़रूरत हो तो इसे क्लिप करके देख लीजिए, फिर डिलीट कर दीजिए इसको, क्लिप प्लेन को। इतनी बातें रहीं यूटिलिटी में, देखिए यूटिलिटी में हमने इतनी चीज़ें सीख ली। अब बचा है रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्शन यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं इसका मीनिंग क्या है। रिफ्लेक्शन को सिलेक्ट करिए और इस कार के पास चलते हैं, तो देखिए अभी इस कार का जो विंड स्क्रीन है इसका रिफ्लेक्शन कैसा है। जैसे अगर इस रिफ्लेक्शन कंट्रोल को यहाँ पे रख देंगे ना, ये देखिए इसके रिफ्लेक्शन में, इसके शीशे के रिफ्लेक्शन में डिफरेंस आ जाएगा। तो यही है रिफ्लेक्शन कंट्रोल, ठीक है। किसी भी सीन में अगर बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन है तो उसको ठीक कर देगा, अगर रिफ्लेक्शन नहीं है तो उसमें रिफ्लेक्शन ला देगा, यानी एडजस्ट कर देगा रिफ्लेक्शन को। किसी चमकीली चीज़ में रिफ्लेक्शन एडजस्ट करने के लिए इस स्पीयर को लीजिए और वहाँ पर लगा दीजिए, तो ये रिफ्लेक्शन को ठीक कर देगा। तो ये ट्यूटोरियल लाइट्स के बारे में। तो हमने इन वीडियोज़ में बिल्ड मोड के अंदर आने वाले सभी लाइब्रेरी के कंपोनेंट्स को बता दिया है। इनको एक बार आप अच्छे से अपने कंप्यूटर में ओपन करिए, एक एक ऑब्जेक्ट को उठाइए, प्लेस करिए, ताकि आपको पता चल जाए कि कौन सा ऑब्जेक्ट कहाँ पे, जब सीन में हमें उस ऑब्जेक्ट को लगाने की ज़रूरत पड़े आपको सही समय पे वो मिल जाए। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मटेरियल कैसे चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट का, और लैंडस्केप, ये पहाड़ पर्वत घाटी ये सब कैसे बनाएंगे, और वेदर कंट्रोल के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।